दोस्तों आज हम एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसका साइज है 13x30। जी हाँ दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर थे और उन्होंने बोला कि सर हमें 13x30 का एक मॉडल डिजाइन करके दीजिए। ये पूरा घर है आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड एंड ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड दो फ्लोर मैंने डिजाइन किए हैं, तीसरे में सिर्फ सीढ़ियों को ढका है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। आप फ्रंट से ऐसा देख पा रहे होंगे। अगर हम साइज की बात करें तो 13 फीट आपका चौड़ाई है और लंबाई की बात करें तो आपका ये 30 फीट है। बालकनी 2 से 2.5 फीट का आपका अलग से है। तो ये पूरा डिजाइन हम आज डिस्कस करेंगे मॉडल। अगर इसका टॉप व्यू देखें तो आप ऐसा देख पा रहे हो टॉप से ऊपर से, और साइड फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा, साइड से ऐसा दिखेगा, क्योंकि साइड में ज़्यादातर मकान ही होंगे। तो चलो हम हमेशा की तरीके से इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो लगातार होम डिजाइनिंग से रिलेटेड मिलते रहते हैं, नए नए हाउस प्लान मिलते रहते हैं, न्यू हाउस प्लान। और हमारा एक वेबसाइट भी है जहाँ से आप कोई भी मॉडल जाकर बहुत मात्र 99 रुपये में परचेज कर पाएंगे, जिसमें आपको एक PDF मिलेगा, एक जिप फाइल जिसमें आपकी 2D इमेज, 3D इमेज विथ साइज एंड डायमेंशन आपको मिल जाती है, जो देख कर आप बनवा सकते हैं। तो चलो हम इसको हमेशा की तरह ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। तो जैसे मॉडल को हम ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ये मॉडल आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा, दीवारें हाइड हो जाती हैं और सेम टू सेम आपको ऊपर से नीचे तक पूरा ये मॉडल दिख जाता है। तो ये देखिएगा, ये मॉडल जो अभी हम देख पा रहे थे 13x30 का, तो ये ट्रांसपेरेंसी है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी फिर से रिमूव करके लाते हैं इसको मॉडल पोजिशन पर, तो ये मॉडल आपको ऐसा दिखेगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो ये देखिएगा, फ्रंट से ग्राउंड फ्लोर आपको ऐसा दिखेगा। ये एक मेन डोर है, डबल का आप चाहे सिंगल भी लगवा सकते हैं। ये एक विंडो दिया हुआ है मैंने, जैसे डोर से आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है साइड में ये लेटरिन एंड बाथरूम, ये आपको किचन मिलता है, क्योंकि जगह बहुत ही कम है इसलिए कंबाइंड लेटरिन एंड बाथरूम बनाना पड़ा। और उसी के बगल में साइड में आपको किचन एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बाइक भी आप पार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप एंटर करते हैं फिर से आपको एक डोर मिलता है, और इस डोर के थ्रू आप आ सकते हैं इस वाले पोर्शन पे, जहाँ पर आपको मिल जाती है स्टेयर्स आपको ऊपर जाने के लिए। और फिर से सबसे पीछे आपको मिल जाता है एक बेडरूम जो आप यूज कर सकते हैं, जिसका साइज रहेगा 13, तो चौड़ाई ही रहेगी लेकिन लंबाई इसकी जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसका नाम स्मॉल हाउस है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर हो गया, जहाँ पर आपको देखिएगा ये इस वाले रूम के लिए मैंने वेंटिलेशन भी दिया। अगर आप चाहें तो ये जो स्टेयर्स है, जो जीना है, आप इस फ्लोर इस वाले पोर्शन पर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर आपने ये लेटरिन बाथरूम और किचन इसमें ऐसे बना दिया तो इस रूम में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो अभी विंडो लगा है वो नहीं लग पाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये वाला पूरा पोर्शन उठाकर आप यहाँ भी कर सकते हैं और स्टेयर्स बाहर ला सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे एडजस्ट करते हैं। लेकिन अब देखिएगा, तो ये आपका लेटरिन एंड बाथरूम कमांड, ये आपका किचन हो गया, और ये आपका बेडरूम, ये आपकी स्टेयर्स, तो पूरा घर यहाँ पर बन जाता है। और ये आपकी फ्लोर जो भी चाहे वो लगवा सकते हैं, यहाँ पर आप एक बाइक भी पार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर। अब हम फर्स्ट पर चलते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर बिल्कुल सेम है, जैसा कि आप स्टेयर्स के माध्यम से जैसे ऊपर आते हैं तो वही बेडरूम आपको पीछे मिलेगा, और साइड में ही वही चीज़ें जो आपको ग्राउंड फ्लोर पर थी वही सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा हुआ है ये बालकनी आपका 2 से 2.5 फीट का। ये देखिए फ्रंट में जो बालकनी है ये आपका इंक्रीज हो जाता है बस, और सारी चीज़ें वही हैं, स्टेयर्स भी है वही है। और इसके बाद अब आपको हम ले चलेंगे लास्ट फ्लोर पर, जो कि आप ऐसा देख पा रहे होंगे चारों तरफ ग्रिल है और रेलिंग लगी हुई है। और ये देखिएगा, ये आपको स्टेयर्स के माध्यम जैसे ऊपर आएंगे तो ये जीना है जो आपकी ढक जाता है बरसात में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरा मॉडल ये देखिएगा आपको मिल जाता है 13x30 में। तो ये प्लान कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। अगर फुल डायमेंशन जाननी है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा। अगर यदि आप चाहते हैं कोई भी स्पेसिफिक मॉडल बनवाना तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका मॉडल डिजाइन करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स।